Hecho. हम भी फील्ड में गए, हमने भी कोचिंग सेंटर उसका किया, जो अनरजिस्टर्ड है उनको मौके पर बंद किया। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने 4 जोनल टीम्स तैनात किए हैं, जो कंगन, हरिगंज, गांधरबल और तुलमुला। जैसा कि अभी भी मैं उनसे बात कर रहा था, उनको रिपोर्ट वीकली सबमिट करना होता है, क्योंकि पिछले 2 वीक्स का रिपोर्ट उनकी तरफ से नहीं आया है। आपके माध्यम से मैं उनको भी मुतला करना चाहता हूँ कि वो हर एक कोचिंग सेंटर का दौरा करें और हमें रिपोर्ट दे दें। और बाकी जो मेरे गवर्नमेंट टीचर्स हैं या दूसरे कहीं डिपार्टमेंटों से ताल्लुक रखने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जबकि सभी जानते हैं कि ब्लैंकेट बैन है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई पर किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ें, रजिस्टर्ड क्या अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड जो भी कोचिंग सेंटर है उसको सील करना है मौके पर ही, और रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर में देखना है कि फैकल्टी कौन पढ़ा रही है, क्या उस फैकल्टी में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई मत है। मैं आप ही के माध्यम से हम तमाम मोहतरम उसाजा साहिबान और दीगर गवर्नमेंट मुलाजमीन से यही इस्तेबा करता हूं कि अगर किसी से कोई आज तक कोई चूक हुई है, बराही करम वो इस प्रैक्टिस से अपने आप को दूर रखें। और जो मुझे आज तक मालूमात हासिल हुए हैं और हमने कहीं हमें कुछ इनपुट्स मिले थे, हमने उन टीचर्स को एक्सप्लेनेशन कॉल की, लेकिन एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसको हम मुलाहिजा कर रहे हैं, तो आपको भी मुतला करेंगे और ऊपर हायर अप्स को भी मुतला करते रहेंगे। हर एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने सर्टिफाई किया है कि हमारे अंडर जितने भी टीचर हजरात काम कर रहे हैं, चाहे लेक्चरर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे टीचर हो, तो उन्होंने उनसे सर्टिफाई करके लिया है कि हम किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाते हैं, और अकॉर्डिंगली डीडीओज ने वो सर्टिफाई किया है हमारे ऑफिस को। और जून कंगन से मेरा एक रिपोर्ट आया है, बाकी अभी मैं जारी साहिबान से बात कर रहा था और प्रिंसिपल साहिबान से बात कर रहा था कि उनका रिपोर्ट आना बाकी है। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द रिपोर्ट भेज दें।